गहरी धुंध और तेज रफ्तारी की वजह से देर रात 12 बजे के करीब बटाला के घसीटपुरा के नजदीक अमृतसर से कटरा जा रही टूरिस्ट बस सड़क किनारे खड़े ट्राला ट्रक में पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 के करीब लोग घायल हो गए, जिन्हें बटाला के सिविल अस्पताल और अमृतसर के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। मृतक व्यक्ति श्रीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना था कि ट्रक का टायर पंक्चर होने की वजह से वह सड़क किनारे खड़ा था और टूरिस्ट बस जो अमृतसर से कटरा जा रही थी वह गहरी धुंध की वजह से खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। ना अमनदीप है, आए से बॉम्बे को। हाँ आए से अमृतसर। ठीक है जी, कड़ी बस सफर कर रही? बस था ना, पता नहीं, श्योर नहीं है, पर वो टूरिस्ट बस ही। कितने जा रही थी? कटरा। ये जो हादसा होया कितने बजे टाइम है? 12:30 बजे। की कितना हादसा होया तुम्हें जानकारी कुछ? अगे नमक दा ट्रक सी ते बस जड़ी सी वो बहुत फास्ट सी, तो इस करके वो खलोता होया सी ट्रक, तो जाके बस ने पिछे ठोकता इस करके। अच्छा, तुम कोई जानकारी है भी किन्ने के जने दी मौत होई है, किन्ने जख्मी होए? एक जन दी मौत होई। अच्छा जी, जख्मी? जख्मी ते 3 एम्बुलेंस आया सी ते वो भर के गए। अच्छा जी, इत्थे कौन कौन तुहाडे रिश्तेदार जां तुसी इकल्ले ही हो? असी, मैं बॉम्बे तो, मेरे 3 यार आए जी, ते असी सारे इत्थे ही आ। पैर च सट लगी है ते बाकी एक दा थोड़ी ज्यादा तबीयत खराब है, वो दूजे पासे रखे। ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਖੜਾ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਘੋੜਾ ਇੱਟਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੁਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਬੱਸ 'ਚ ਆਗ ਵੱਜ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।